20 साल के खिलाड़ी की खुली किस्मत, टीम इंडिया के लिए सीधा खेलेगा एशिया कप। एशिया कप 2023 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में 20 साल के युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इस खिलाड़ी ने भारत के लिए अभी तक एक भी वनडे मैच नहीं खेला है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 को देखते हुए टीम इंडिया के लिए एशिया कप काफ़ी अहम रहने वाला है। इस टूर्नामेंट से ही वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड पक्का होगा। टीम में वापसी करने वाले केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। वहीं टीम में 20 साल के एक युवा खिलाड़ी को भी जगह मिली है। इस खिलाड़ी के पास भी अपने प्रदर्शन के दम पर वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने का मौका रहने वाला है। एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में 20 साल के बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अभी तक एक भी वनडे नहीं खेला है। ऐसे में उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो वह सीधा एशिया कप में ही अपना वनडे डेब्यू करेंगे। तिलक ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खत्म हुई T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 173 रन बनाए थे। इस शानदार प्रदर्शन के चलते वह इस बार वनडे टीम का हिस्सा बने हैं। तिलक वर्मा को नंबर 4 की बल्लेबाजी पोजीशन मिल सकती है। बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 के बाद टीम इंडिया ने नंबर 4 की बल्लेबाजी पोजीशन पर कुल 10 बल्लेबाजों को आजमाया है, लेकिन कोई भी अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया है। ऐसे में तिलक वर्मा के पास इस बार एक बड़ा मौका रहने वाला है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने हाल ही में कहा था, तिलक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। अगर वे वर्ल्ड कप में जगह बनाते हैं तो वे एशियन गेम्स में नहीं होंगे। एशिया कप उनके लिए एक बड़ा अवसर है। ऐसे में माना जा रहा है कि कप्तान रोहित शर्मा एशिया कप में उन्हें खेलने का मौका दे सकते हैं। तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में 1.7 करोड़ रुपए में खरीदा था। 20 लाख रुपए की बेस प्राइज वाले वर्मा को खरीदने के लिए कई बड़ी टीमों ने भी बोली लगाई थी। तिलक वर्मा ने आईपीएल 2023 में 11 मुकाबले खेले थे, जिसमें उन्होंने 42.88 की औसत से 343 रन बनाए थे। अगर 20 साल के युवा तिलक वर्मा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वनडे वर्ल्ड कप के लिए उनकी जगह पक्की हो सकती है। दोस्तों, आपके हिसाब से तिलक वर्मा वनडे विश्व कप में खेलेंगे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं। Thanks for watching.